नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। अपने राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के परिसरों पर ईडी की छापेमारी पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह सिलसिला जुलाई 2020 से शुरू हुई, जब झारखंड चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। आरोप लगाया गया कि केंद्र ने इसकी शुरुआत कर दी है। आप भी सुने। डरते न जेल जाने से डरते, नक्सलियों ने इतना मारा है लोगों को, हमारे प्रथम पंक्ति के सारे नेता शहीद हो गए और इन्हीं शासन काल में हुआ है। तो हम लोग मरने से भी घबराते नहीं, न लड़ने से डरते हैं। और जेल तो पहले भी भेज चुका हूं, विनोद वर्मा जी पहले भी भेज चुके हैं, अभी फिर से उसके घर में कल दिन भर बैठे रहे, मुझे भी भेज के देख चुके हैं। रमन सिंह ने भेजा था, 15 साल की सरकार 15 सीट में सिमट गई, दूसरे के भी शौक है तो देख ले। हम लोग जेल जाने से डरते नहीं है। देखिए, इस अभी तो मैं आपको और बता देता हूं कि 200-250 की टीम जाने वाली आईटी की, वो पूरे छत्तीसगढ़ में छापा डालेगी। तो ईडी आती है तो आईटी जाती है, आईटी जाती है तो ईडी आती है। हमारे यही क्रम चल रहा है और वही काम कर रहे हैं। मार पीट के, जैसे कहते हैं ना, बंदर को बोरे में पकड़ लिया, उसे पीट रहे हैं, बोल तो कुत्ता है। तो हमारे यहां स्थिति जबरदस्ती मार पीट के लिखवा रहे हैं कि हां तुमने ये गलत किया है और तुमने इसको इसको पैसा दिया है, लिखो, इस राजनेता को दिया हो, इस अधिकारी को दिया हो, इसको नाम लो, यही चल रहा है। और ये बात छत्तीसगढ़ के लोग सब जान चुके हैं कि जितना ये रेट डालेंगे उसकी सीट और घटेगी। वैसे 15 सीट है, अभी तो वर्तमान में 13 ही सीट बची है और ऐसे करते रहेंगे तो 13 सीट भी मुश्किल होगा। छत्तीसगढ़ में यही कोशिश हो रही है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को दबाया जाए, बदनाम किया जाए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, पार्टी के पदाधिकारी हो या फिर अधिकारी और कर्मचारी हो। ये सिलसिला शुरू होता है जुलाई 2020 से। झारखंड चुनाव में बुरी तरह से मात खाने के बाद इन लोगों ने इसकी शुरुआत की और आईटी ने रेड डाला। जितने भी जिसे शराब घोटाला के नाम से प्रचारित किया गया और इस शराब घोटाले में 2019-2020 में केक की रिपोर्ट भी है, वहां उन्होंने जांच भी की। उसके बाद 2.5 साल तक के वो चुप रहे, चुनाव नजदीक आते हुए, जबकि सारे कागजात ईडी को सौंप दिया गया था।
कि अपराधी जो है मोर का शिकार करते हुए दम जंगल से गुजर रहे हैं। हमारे परिक्षेत्र अधिकारी मुकेश सिंह द्वारा दल गठित किया गया और उन पर तुरंत कार्रवाई की गई, जिसके तो गंभीर भी बड़खेड़ा से हमारे द्वारा मोर अपराधियों के साथ में मोरों का परिवहन किया जा रहा था, मृत मोर का, उसके साथ में चाकू और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। क्या धाराओं में मामला है इसको? वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की 2, 9, 51 और 50 इनके तहत और 39 इसके तहत। कितने आरोपी हैं और क्या नाम है? इनमें लगभग दो आरोपी हैं इसमें, एक का नाम मित्री से और एक का नाम नावेद है। जो इद्रिस है वो मदनपुर गांव का है, इद्रिस वास्तु का है, और जो नावेद है वो मदनपुर का। इस मामले में कटनी जिले में निरंतर महिलाओं के साथ ऋण दिलाए जाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले सामने आ रहे। ताजा मामला बड़वारा थाना क्षेत्र के लखाखीरा गांव से सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करीब 40 लाडली बहनों को एक निजी बैंक के द्वारा बिना लोन लिए ही कर्ज चुकाने का नोटिस थमा दिया गया। नोटिस मिलने के बाद ही महिलाओं के होश फाख्ता हो गए और न्याय की उम्मीद लगाकर बड़वारा थाने पहुंच गई। इस दौरान महिलाओं ने एसपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। गुरुवार को बड़वारा आम आदमी पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह के साथ कई दर्जनों महिलाएं बड़वारा तहसील कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग करती हुई नजर आईं। महिलाओं ने कहा कि कटनी माधव नगर में स्थित फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा हमें 40,000 रुपए का कर्ज चुकाने का नोटिस दिया गया है, जबकि हमें से किसी भी महिला ने बैंक से लोन नहीं लिया है। बड़वारा क्षेत्र में अधिकारियों की अनदेखी की वजह से यहां पे निजी बैंकों के द्वारा जो क्षेत्र में सक्रिय हैं और भोली भाली महिलाओं को जरूरी दस्तावेज लेकर और उनके दस्तावेज लेकर उनके नाम से लोन आहरण कर लिया जाता है। ये सब कहीं ना कहीं क्षेत्रीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से है, जो कि महिलाओं के नाम पर लोन समूह बनाकर और लोन लेकर और उनके साथ ठगी की जा रही है, जिसको लेकर लखखीरा ग्राम की लगभग 40 महिलाएँ हैं जिनके साथ इस तरह की धोखा मांगे भैया कि हमारा फिनकेयर बैंक से धोखाधड़ी से हमारे नाम से 3 बार लोन ले चुका गया और जमा भी कर दिया गया। लास्ट बार 45,000 लोन आया, हमारा पैसा हमारे ऊपर कर्जा है, माफ नहीं किया जा रहा। हम एसपी कलेक्टर सब जगह दे दिए कागज, पर कोई सुनवाई नहीं हमारी। कितना कितना कर्जा होगा सबको? एक औरत का कम से कम 50 इतना है। कितनी महिलाएं हैं ऐसी? ऐसा करके मान लो 40 औरतें हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के आह्वान पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने 2003 से लेकर 2023 का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है। सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद से 2003 तक ज्यादातर समय कांग्रेस की ही सरकारें रही हैं। शिवराज सिंह चौहान ने उस सरकार का नेतृत्व किया था। बीजेपी की सरकार ने प्रदेश को 20 सालों में बीमारू से बेमिसाल राज्य बना दिया, बंटाधार से बुलंदियों पर पहुंचाया, पिछड़े से अग्रणी बनाया, समृद्ध और खुशहाल राज्य बनाया। पन्ना जिला रामगढ़ पद गबन में भी जुड़ा हुआ है, और उनकी जब हम बात करते हैं तो टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से सारंग हो, बृहस्पति कुंड हो या अन्य ऐसे और भी जो हमारे स्थान हैं उसको हमने जोड़ने का काम किया है। हमारा बृहस्पति कुंड एक खासकर बरसात के समय में एक बिल्कुल नागरा फॉल जैसा हमारा बन जाता है, और इसलिए उसको अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे सतना जिले के, यूपी के और हमारे पन्ना के आसपास के लोग देखने जाते हैं, कई बार घटनाएं दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो उसको सबको लेके एक हमने अभी सर्वे टीम अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट से बोला था, वो आई भी थी, और उसमें हम एक झूला भी लगा रहे हैं कि सामने से लोग बाग देख पाएँ, और उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं कि उसको और हम कैसे डेवलप कर पाएँ, और टूरिज़्म की दृष्टि से भी, क्योंकि हम भविष्य में ये चाहते हैं कि पन्ना एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने।
इधर भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद शंकर अवस्थी सिलवानी विधानसभा के 7 दिवसीय संगठनात्मक प्रवास पर आए हुए हैं। वे सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के नगर और ग्रामीण मंडलों में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। अलग अलग धार्मिक सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों से चाय पर चर्चा कर क्षेत्र के मुद्दों को समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। गुरुवार को विश्वकर्मा गार्डन में मोर्चा पदाधिकारियों, नगर मंडल पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक में हिस्सा लिया। विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी गरीब परिवार से आते हैं, गरीबी उन्होंने देखी है, इसलिए वे गरीबों के कल्याण के बारे में सोचते भी हैं। हो चुके हैं, जल्द से जल्द बनने वाली तथा जो हर घर जल की योजना है, नल की, वो भी काम पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो वादे किए हैं उसको उसका पूरा करने का काम किया है। उनके टेंडर हो चुके हैं, जल्द से जल्द बनने वाली तथा जो हर घर जल की योजना है, नल की, वो भी काम पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो वादे किए हैं उसको उसका पूरा करने का काम किया है। आज कोतवाली थाने में सीएसपी राजेश तिवारी और टीआई आशुतोष सिंह ने प्रेसवार्ता के जरिए एक दिन पहले बरईपुरा चौराहे क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का खुलासा किया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। सीएसपी राजेश तिवारी ने बताया कि राहुल अहिरवार और आकाश अहिरवार, जो आदतन अपराधी हैं, इन पर पहले भी कई अपराध दर्ज हो चुके हैं। उनमें से एक आरोपी पर हत्या का मामला भी चल रहा है। दोनों आरोपियों ने बरईपुरा क्षेत्र में 2 युवकों से मारपीट करते हुए उनका मोबाइल और कुछ नगद राशि लूट ली थी। सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा है। फरियादी निरंजन रेकवार अपने साले राजा रेकवार के साथ में बरईपुरा चौराहे की तरफ गुटखा वगैरह लेने जा रहे थे, तो रास्ते में आरोपी आकाश अहिरवार और राहुल अहिरवार ने उनके साथ मारपीट की और उनका मोबाइल 4000 रुपये छुड़ा लिए और उनके साथ मारपीट करके चोट पहुंचाई। इस तरह आरोपी गणों द्वारा लूट की घटना घटित की थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, तत्काल टीआई कोतवाली और उनकी टीम द्वारा दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया और उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल, पर्स और 4000 रुपये नकद जब्त किए और आरोपी के पास एक छुरी और एक रॉड पत्ती नुमा बरामद की है। भैंसदेही तहसील के खुमुई बैरियर से खुमई जाने वाली सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, डामर उखड़ गया है, गिट्टी बिखर गई है, सड़क पर आवागमन करना मुश्किल हो गया है। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ना तो सड़क की मरम्मत करा रहा और ना ही नवीनीकरण। ऐसे में यह सड़क आगामी बारिश में वाहन चालकों के लिए मुश्किल भरी हो सकती है। ग्रामीणों ने बताया कि बैतूल परतवाड़ा मार्ग पर खोमई बैरियर से खोमई जाने वाला लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का मार्ग पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुका है। लोग लंबे समय से इस मार्ग के निर्माण की मांग कर रहे हैं, जिसे लगातार अनसुना किया जा रहा है। सुबह पानी के टोकरे बारिश में थम जाते, एक्सीडेंट हो रहा है उसमें। हमारी से टीपट रोड बहुत गड्ढे गुड्ढे हो गए, खराब हो गई, आने जाने की बहुत समस्या है। गिर रहे गाड़ी वाले, पानी थम जाता, गड्ढे में दिखता नहीं, बहुत गिर पड़ हो रहा है ये रोड। मेरा नाम भरत गावंडे है। खुमई से पीपट तक जो रास्ता बना है, इसके कई बार मैंने 181 भी लगाई, पर आज तक इसका निराकरण नहीं हुआ। अधिकारियों को कई बार बोला गया कि आप गड्ढे ही भरवा दीजिए, पर आज तक अधिकारी ने इसके गड्ढे नहीं भरे। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, हादसे होते रहते हैं, पर अधिकारी इसकी कोई सुध नहीं।
कटनी जिले के थाना सलीमनाबाद की ग्राम सलैया फाटक के पास एक बस ने बाइक सवार को रौंद दिया। दरअसल अनियंत्रित होकर बस पलट गई थी, जिससे इस हादसे में 3 की मौत हो गई है। वहीं 20 लोग घायल हुए हैं, जिनका सलीमनाबाद के स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी है। के समीप एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग घायल हैं। अभी आप मौके पर पहुंचे हुए हैं, क्या स्थिति है? अभी मुझे करीब करीब 1 घंटे पहले मालूम चला कि बस का एक्सीडेंट हुआ है, बस पलट गई है। मैं अस्पताल पहुंचा तो यहाँ पे मालूम चला कि अभी जिसका दुर्भाग्यवश एक हाथ जो है कट गया है, और सभी परिवारों के साथ पुलिस परिवार की संवेदनाएँ, और अभी हम सारे राहत और बचाव कार्य जो कर रहे हैं, और अभी हमारे चिकित्सालय में भी हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस का कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए झूठी अश्लीलता परोसने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। दोनों आरोपी सगे भाई हैं। ये घटना भोपाल शहर के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र की है, जिसमें पुलिस ने कुछ दिन पहले ही इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया था। दिनांक 21/8/2023 को पीड़िता की शिकायत पर से अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध सूचीबद्ध किया गया था मामला, और जांच के दौरान साइबर सेल की मदद से आज दोनों आरोपी गणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 23/8 को पेश किया गया। कहाँ के थे सर आरोपी रहने वाले? ये आरोपी भोपाल शहर के ही हैं। एक तो जे अपना आसियाना कॉलोनी प्रोमिस हॉस्पिटल के पीछे हाउसिंग बोर्ड करोंद का है, और दूसरा भी वहीं का है। दोनों आरोपी वहीं के करोंद हाउसिंग बोर्ड के पास के रहने वाले हैं। दोनों को अरेस्ट करके वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में दिशा निर्देशन में त्वरित कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया गया है। खनियाधाना जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुडर में राशन नहीं मिलने की वजह से ग्रामीण परेशान है, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने खनियाधाना तहसील पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया और पूरा राशन दिलवाने की मांग की है। पहले कंगल लगवा लेते हैं, फिर उसके बाद 15-20 दिन बाद फिर आते हैं, 1 महीना बराबर चढ़ जाता है कंट्रोल का, उसके बाद भी हमें पूरी वो नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता है। क्या कहता है सेल्समैन? कहता है अभी गांव वाले रह गए, तुम्हारा पूरा रहेगा माल तो पूरा कर देगा। कितने दिन से नहीं दिया उनको? लगभग 15 है कि जो सिस्टमर हमें चाले नहीं, 6 महीना हो चुके हैं, इतना गल्लो पानी दो है, सब जनता खाई इनसे पूछ लो। 6 महीना से ना चाँद ना सक्कर अगवाई भी लगा ले तो हाथ से पड़ती है, क्या परेशानी है। दोसेन समाज जनों की हत्या के आरोपियों पर प्रभावी कार्रवाई करने और समाज के व्यक्ति को अपमानित करने के आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर सर्वसेन समाज जनों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग भी की है। इधर शिवपुरी जिले की बदरवास तहसील के ग्राम बिजरोनी हल्के में पदस्थ पटवारी अवधेश शर्मा को 3,000 रूपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पटवारी अवधेश शर्मा को लोकायुक्त की टीम ने पहले भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा था, इस बार अवधेश को दूसरी बार रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। ये आवेदक हैं परमाल सिंह यादव, जो कि बिजरौनी तहसील बदरवास में गांव आता है, वहाँ के रहने वाले हैं। इनके एक भाई का स्वर्गवास हो गया था, शिवराज सिंह यादव, की जमीन थी, उस जमीन का फौती नामांतरण का प्रकरण तहसील बदरवास में चल रहा है। उस प्रकरण में फौती नामांतरण करवाने और इनका नाम कंप्यूटर पर तीनों भाइयों को जुड़ाने के लिए पटवारी जी 3,000 रुपये रिश्वत इनसे मांग रहे थे। अवधेश कुमार शर्मा है, हल्का पटवारी है बिजरौनी, तो उसके पश्चात आज यहाँ पर 3,000 रुपये लेते हुए आगे तक से पकड़े गए। सर, सुनने में आ रहा है ये पहले भी कार्रवाई की गई है लोकायुक्त द्वारा?
2021 में कार्रवाई हुई थी, ट्रैफिक कार्रवाई पूर्व में भी हो चुकी है। ये अब दोबारा दूसरा जो आवेदक है हमारा, इसकी दोबारा शिकायत। खनियाधाना में अमर शहीद रामफल मंडल का शहादत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर खनियाधाना में स्थित अम्बेडकर भवन से वाहन रैली पिछोर के बिजासेन धर्मशाला तक निकाली गई थी। बिजासेन धर्मशाला में उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज के वरिष्ठ जनों ने बताया कि शहीद रामफल मंडल वंशकार समाज के ही थे। क्रांतिकारी थे, इन्होंने गांधी जी के आह्वान पर देश आजाद कराने में, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में संपूर्ण भूमिका निभाई है। रामपाल वनमंडल ये हमारी समाज वंशकार धानक समाज के मुखिया थे। उस समय इन्होंने गांधी जी के आह्वान पर क्रांतिकारी कदम उठाकर देश को आजाद कराया था। शिवपुरी जिले की करैरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिरसोद में एक हितग्राही जिसकी मां का स्वर्गवास हो गया था, वो हितग्राही संबल योजना के तहत ग्राम पंचायत सिरसोद में अपनी मां के दस्तावेज लेकर पहुंचा हस्ताक्षर करवाने के लिए। तो सचिव ने मोनू शिवहरे से कहा कि अपने दस्तावेजों में आग लगा दो, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। इस बात पर मोनू शिवहरे ने पंचायत भवन के सामने ही दस्तावेजों में आग लगा दी और पंचायत सचिव देखते रह गए। हितग्राही को न रोका गया न उसको समझाइश दी गई। मैं सर पंचायत में गया था, संबल योजना का मेरी माताजी का देहांत हो गया था 13/7 में, तो मैं सर सेक्रेटरी के पास पहुंचा कि सचिव का नाम क्या है, ज्ञानी प्रसाद शर्मा, आप गए उनके पास फिर जी, उनने बोला मैं साइन नहीं करूंगा, मतलब का वजह क्या है। उनने कहा पहले लेन देन की बात कर लो। मैंने कैसे लेन देन की बात करें, मैं तो पात्र हूँ, अगर पात्र नहीं होती मेरी माताजी तो मैं आपसे नहीं कहता कुछ। पात्र होने के बाद मैं किस बात की, मतलब उनने कहा 20,000 रुपये दो, तो मैंने उनको देने से मना किया। उनने सीधा मुझसे बोला आप मैं साइन नहीं करूँगा, आपको जो देखा है वो कर लो, इस इन कागजों में आप आग लगा दो। मैंने पूरे मेरे कंप्लीट थे कागज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मेरे उसमें जल चुके हैं। जब मैंने सोचा जब मिलना ही नहीं है तो ठीक है, माताजी भी चलेंगे कागज भी चले, इस चक्कर में मैंने नहीं मांगे उनसे, कुछ भी नहीं बोला, तो बस उनने साइन करने से मना किया और उनने बोला आग लगा दो, तो मैंने आग लगा दी पंचायत के। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाने में अब कुछ माह का समय शेष रह गया है। ऐसे में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का सामने आया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र भैरुंदा पहुंचकर उन पर आरोप लगाया और कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार कमीशनखोरी की सरकार है। कब से खनिज नहीं है बराबर, मध्य प्रदेश में हम लोगों के अंदाजा है क्योंकि भ्रष्टाचार सब जगह हुआ है। कर्नाटक में 40% कमीशन। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता नड्डा जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रिवाड़ी की नड्डा जी को चिट्ठी लिखी है कि हमारा यहाँ का विधायक 50% ज्यादा कमीशन लेता है। तो शिवराज सिंह जी का नाम मिस्टर 50% है, हर चीज में 50% कमीशन। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहें आर्या न्यूज़।